साथियों राशि 12 तो होती है और इसका बहुत बड़ा योगदान हमारे पूरे जन्म पर होता है। और एक आम आदमी जो चाहे जन्म कुंडली के बारे में, ग्रहों के बारे में बिल्कुल भी ना जानता हो या साधारण जानकारी रखता हो, उसके मन में भी एक जिज्ञासा बचपन से ही रहती है कि उसकी राशि क्या है और उसकी राशि के लिए आज का दिन या आने वाला हफ्ता या आने वाला जो महीना है वो आखिर कैसा रहने वाला है। इससे भी आगे बढ़ करके हर एक राशि, क्योंकि राशि जो है वो चंद्रमा से प्रभावित होती है, जन्म पत्रिका के जिस भाव में चंद्रमा विराजमान होते हैं उसको हम उस व्यक्ति की राशि कहते हैं। आज इस एपिसोड का जो उद्देश्य है वो खासतौर पर मैं 10 बिंदु आपको बतलाऊंगा। आज चर्चा हम मेष राशि के बारे में करेंगे। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों राशि 12 तो होती है और इसका बहुत बड़ा योगदान हमारे पूरे जन्म पर होता है। और एक आम आदमी जो चाहे जन्म कुंडली के बारे में, ग्रहों के बारे में बिल्कुल भी ना जानता हो या साधारण जानकारी रखता हो, उसके मन में भी एक जिज्ञासा बचपन से ही रहती है कि उसकी राशि क्या है और उसकी राशि के लिए आज का दिन या आने वाला हफ्ता या आने वाला जो महीना है वो आखिर कैसा रहने वाला है। इससे भी आगे बढ़ करके हर एक राशि, क्योंकि राशि जो है वो चंद्रमा से प्रभावित होती है, जन्म पत्रिका के जिस भाव में चंद्रमा विराजमान होते हैं उसको हम उस व्यक्ति की राशि। आज इस एपिसोड का जो उद्देश्य है वो खासतौर पर मैं 10 बिंदु आपको बतलाऊंगा। आज चर्चा हम मेष राशि के बारे में करेंगे और ये जानेंगे कि मेष राशि का जो व्यक्ति होता है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, उसकी कौन सी 10 विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स या उसके व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण हिस्से जो कि उसमें होते ही होते हैं और उसके व्यक्तित्व को जानना यदि आप चाहते हैं या आप स्वयं मेष राशि के हैं, कोई और आपका अपना मेष राशि का है, और इन 10 बिंदुओं का और आज के इस एपिसोड की जो सबसे बड़ी खासियत है साथियों, वो ये है कि ये दोनों पर लागू है, चाहे आपकी जो मेष राशि है वो नाम वाली राशि हो या फिर वो आपकी जन्म कुंडली वाली राशि क्यों ना हो। और अंत में जो कमेंट्स हैं उनको भी हम साथ में शामिल जरूर करेंगे क्योंकि हमारे प्रिय दर्शकों ने लिखे हैं। साथियों मेष जो राशि है वो काल पुरुष की जन्म पत्रिका के अनुसार ये जो हमारा मस्तिष्क वाला, सिर वाला सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे शरीर का, इसके अंतर्गत मेष राशि का प्रभुत्व आता है, प्रभाव आता है। अब इसका प्रभाव होगा क्या? सबसे इसका सबसे पहला प्रभाव होगा कि मेष राशि का जो जातक है वो सदैव अपने बुद्धि को प्राथमिकता देता है। जहां उसके साथ में कोई ऐसी स्थिति आई कि मुझे ये दिल से डिसीजन लेना है, इमोशनल डिसीजन लेना है या फिर बुद्धिमत्तापूर्ण डिसीजन लेना है, तो सदैव मेष राशि के जातक बुद्धि को प्राथमिकता देते हैं और बहुत अच्छा निर्णय लेने का ये कारण। साथियों दूसरा बिंदु है इनके पाचन तंत्र को लेकर के, क्योंकि मेष राशि के स्वामी स्वयं मंगल देव है, रक्त के अधिपति हैं, क्रोध के अधिपति हैं, पित्त स्वभाव के अधिपति हैं, तो मेष राशि के जातक या जातिका को पेट, पाचन तंत्र, आंतों, इनसे संबंधित समस्या सदैव बनी ही रहती है। अम्ल की, एसिडिटी की समस्या इनको सदैव बनी ही रहती है, चाहे ये कितना ही भोजन का कंट्रोल कर ले, चाहे अपने व्यायाम को इतना ही अधिक बढ़ा दें, परंतु थोड़ा या बहुत पेट से, पित्त से संबंधित जो समस्या है वो इनको घेर रही है। साथियों तीसरा बिंदु बड़ा ही रोचक और थोड़ा सा दुनिया से उलट है। मेष राशि का जातक आमतौर पर ऐसा होता है
जो कि रात में एक्टिव होता है, लोग दिन में काम करते हैं। ये दिन में सोना या दिन में आलस्यपूर्ण रहना और रात्रि काल में जाग करके ये अपना कार्य जो है वो संपन्न करना बहुत पसंद करते हैं, उनको मजा भी आता है। नाइट लाइफ के भी ये बड़े प्रेमी होते हैं। सबसे चौथा बड़ा ही इंटरेस्टिंग वैर या दुश्मनी। आमतौर पर आदमी किसी से झगड़ा करता है, क्रोध होता है, अपनी बातचीत करके वो उसको भुला देता है, आगे बढ़ जाता है, परंतु मेष राशि का जातक या जातिका उस क्रोध को बैर के रूप में अपने मन में सदैव बनाए रखता है और कभी भी वो दुश्मनी को भूलता नहीं और समय आने पर अपना बदला सुनिश्चित तरीके से अवश्य लेकर के ही वो दम लेता है। तो मन में ये बैर को रखने वाले होते हैं। रणनीतिक ढंग से दुश्मनी निभाना अगर किसी को सीखना हो तो वो मेष राशि के जातक से सीख सकता है। साथियों पांचवा बिंदु, चूंकि मेष राशि के अधिपति ही मंगल देव है और मंगल अपने आप में साहस के ज्वालामुखी है, रिस्क लेने के ज्वालामुखी है। जब कोई आम आदमी किसी कार्य के बारे में सोच नहीं सकता, कल्पना नहीं कर सकता कि नहीं ये बहुत बड़ा कार्य है, ये हमारे बस की बात नहीं है, उस समय मेष राशि का जातक रिस्क लेना, पराक्रम दिखाना आवश्यक भी समझता है और ये उसकी प्रवृत्ति भी होती है। यदि किसी मित्र मंडली की बात करें तो यदि इनके मित्र किसी हम फौज की नौकरी या उस किसी प्रकार के रेलवे या बैंकिंग की तैयारी करते हैं, उनमें से ये हट करके कहेंगे कि नहीं मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर, तो ये अपनी कल्पना का स्तर आम से बहुत ज्यादा ऊंचा रखना पसंद करते हैं। हालांकि कोई भी नौकरी छोटी या बड़ी नहीं होती, कार्य करने वाले का समर्पण ही सदैव बड़ा होता है। साथियों छठा बिंदु है कि मेष राशि के जातक को अपनी विशेषज्ञता का अहंकार होता है। हालांकि गर्व होना चाहिए परंतु ये गर्व से दो कदम आगे बढ़कर के अहंकार जरूर पालते हैं, चाहे ये किसी प्रकार के भी प्रोफेशन में हो। यदि ये विशेषज्ञता प्राप्त है तो इनमें एक दंभ की स्थिति अपने स्पेशलाइजेशन को लेकर के जरूर। सातवां बिंदु बड़ा काम का है साथी, ये धीर और गंभीर प्रवृत्ति के होते हैं। बहुत कम बातचीत करना, तोल मोल करके बातचीत करना, ठहरावपूर्ण बातचीत करना, विवेकपूर्ण ढंग से बातचीत करना इनके व्यक्तित्व का हिस्सा होता है। साथियों आठवां बिंदु ये है कि मेष जो जातक है वो कभी छोटे छोटे प्रयास नहीं करेगा, वो वैसा ही करेगा जैसे कि आपने कहावत सुनी भी हो कि 100 सुनार की और 1 लोहार की। ये अपने प्रतियोगियों को काम करने देते हैं कि करने दो ठीक कोई बात, और फिर ये कुछ ऐसा कार्य करके दिखाएंगे कि सबके मुंह सिल जाएंगे, सबकी जबानें बंद हो जाएंगी। तो ये 100 सुनार की और 1 लोहार की, ये सिद्धांत लोहार वाला ये जरूर अपने जीवन में। साथियों नौवां और बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु इनकी धार्मिक और आर्थिक दृष्टि से संबंधित है। ये आसानी से किसी पर भी बिलीव नहीं करते। इनकी जो धार्मिक विचारधारा है वो तर्कपूर्ण होती है। तर्क को लेकर के ये सदैव इस स्थिति में होता है कि कहीं ये अंधविश्वास का शिकार ना हो जाए, कोई धर्म के नाम पर इनको मूर्ख ना बना दे। तो पूरा ठोक बजा करके, सारी पड़ताल करके ये धर्म के क्षेत्र में अपना कदम रखता है और अपने कमाए हुए धन को खर्च करने की भी इनकी दृष्टि बड़ी सम्यक होती है। ये कभी भी बहुत ज्यादा खर्च नहीं करते, खर्च करने से पहले सोचते हैं कि इस स्थान पर इतनी धनराशि खर्च करना उचित है या नहीं है, तो ये बड़ा ही विवेकपूर्ण और सम्यक दृष्टि है। साथियों आज का जो अंतिम बिंदु मेष राशि को लेकर के वो ये है कि ये वैसे भी इनको जल तत्व से दूर रहना चाहिए क्योंकि ये स्वयं अग्नि तत्व के हैं, मंगल अग्नि का कारण है। जल से इनको दूर रहना पसंद भी होता है, जल में ये जाना पसंद नहीं करते, जल से इनको भय भी लगता है। तो जो लोग टूरिज्म करते हैं कि समुद्र में चलिए नहाया जाए या किसी नदी में नहाया जाए, तालाब में या स्विमिंग पूल में, ये सारी बातें पसंद नहीं करते। जल तत्व से ये सदैव दूर रहने का।
तो साथियों ये थी मेष राशि को लेकर के एक बड़ी ही रोचक, बड़ी ही अर्थपूर्ण और बड़ी ही सार्थक 10 बात। आगे भी ये श्रृंखला हमारी जारी है, अन्य राशियों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। अब समय हो चला है आप लोगों के कमेंट्स को शामिल करने का। तो पहला जो कमेंट है ये रीमा अरोड़ा जी ने लिखा है, नमस्कार गुरु जी, कृपया बताएं अगर शनिदेव अष्टम भाव में हो तो कैसा फल प्राप्त होता है। देखिए आपकी जो प्रश्न है वो सिंह लग्न से संबंधित है, तो सिंह लग्न में चूंकि शनिदेव एक मारक ग्रह है और फिर वो मारक होकर के यदि अष्टम भाव में विराजमान हो जाए तो शनि की दशा अंतर दशा में संघर्ष बना रहेगा, मृत्यु तुल्य कष्ट रहेगा, ऐसा भाव आएगा कि ऐसे दिन दिखाने से अच्छा था ईश्वर कि आप मुझे मृत्यु ही प्रदान कर देते। ससुराल पक्ष से इनको जो हानि है वो शनिदेव अवश्य प्रदान करते। साथियों अगला कमेंट पूर्णिमा सिंह जी ने लिख भेजा है कि छठे भाव में सिक्स्थ हाउस में शनि हो तो क्या होगा। आपका भी ये प्रश्न सिंह लग्न से संबंधित है, दोनों यहां पर परिस्थिति उलट गई। सिंह लग्न में यदि छठे भाव में शनिदेव है तो वो विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, तो वो अपनी दशा अंतर दशा में आपको श्रेष्ठतम परिणाम प्रदान करेंगे, जीवन की वो बेहतरीन आपकी दशा होगी। साथियों अगला कमेंट अंजलि थोराट जी ने लिख भेजा है और आपने हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया कि ये 5 एकादशी तक किया जाना है। तो साथियों आज के कार्यक्रम में हमने जाना मेष राशि कैसी होती है, इसके 10 रहस्यों का उद्घाटन किया और ये श्रृंखला आगे भी हमारी जारी रहेगी। आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी सपरिवार स्वस्थ समृद्ध और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।